माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपके सामने टेंसेस का थर्ड वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और मदद भी करेगा वाक्य बनाने में। चलिए अपन अपना लेसन शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और हम इसमें सेंटेंसेस का निर्माण कैसे करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ आता है, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में कार्य हो रहा है का बोध होता है। अब देखिए, इसके अंदर आपको केवल सरल अगर शब्दों में मैं समझाऊं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें कि क्रिया कार्य कर रही होती है, यानी उस क्रिया की समाप्ति नहीं हुई। जैसे कि समझिए, अगर मैं अभी अपने लिए ही कहूँ तो मैं अपनी स्लाइड को रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर आपकी माँ खाना बना रही है तो आप कहेंगे अभी माँ, आप किसी ने प्रश्न पूछा आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, आपने कहा मेरी माँ खाना बना रही है। तो यानी कि जो भी हम कार्य वर्तमान काल में कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे राम सोफे पर सो रहा है। अगर मैं जैसे कि राधा खाना खा रही है तो रहा है रही है आ गया। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, जैसे कि वह घर जा रही है। आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं सबके पीछे रहा है रही है या रहा हूँ रही है आ रहा है। अगर इंग्लिश में करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, राधा इज ईटिंग फूड, आई एम गोइंग होम एंड शी इज गोइंग होम। आप ध्यान रखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि सबके अंदर हमने मात्र क्या किया है, क्रिया के पीछे आईएनजी लगाया है। फर्स्ट फॉर्म की क्रिया है, समझे, स्लीप आई एन जी लगा लिया, ईट आई एन जी करके ईटिंग कर दिया, गो आई एन जी लगा के गोइंग कर दिया। अब अपन आगे इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र। तो सबसे पहले अगर आपको इसका वाक्य बनाना है, आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अपन कहते हैं कर्ता। कर्ता क्या हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम दोनों ही हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा था। अब हम जब भी सेंटेंसेस बनाना चालू करेंगे तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अब हम आपके को हेल्पिंग वर्ब्स लगाना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर जिस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम कर सकते हैं वो होता है एम, यानी ये आई के साथ आता है, आप सब जानते हैं, जैसे आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग। इसी तरीके से दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है इस, और तीसरा हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है आर। यानी कि अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाना है तो हम इसके अंदर तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम, इज और आर। हम इसका प्रयोग अभी सीखेंगे, मैं अभी नीचे आपको इसका सिखाऊंगी। इसके बाद आप इसके अंदर लगाएंगे सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पीछे हम लगाते हैं आई एन जी। मैंने आपको कहा कि जो भी वाक्य जिसमें रहा, रही और रहे आता है, चाहे है हो, चाहे था हो, चाहे होगा हो, आप इसके अंदर आई एन जी का प्रयोग करेंगे। यानी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम आई एन जी का प्रयोग करते हैं और उसके पीछे अपन क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं हम कि एम, इज और आर का हम प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने देखा जब भी हम आई लगाते हैं, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम हमेशा उसके अंदर कौन से जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, एम का। यानी कि समझिए, अगर मुझे लिखना है कि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, आई एम, पढ़ने के लिए क्रिया होती है स्टडी, उसके पीछे मैं आई एन जी लगा दूँगी तो मैं लिख दूँगी आई एम स्टडिंग, ठीक है। अगर पीछे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ तो बन जाएगा आई एम स्टडिंग इंग्लिश। अब आते हैं अपन इस पर, इस जो होता है वो हमेशा एक वचन के लिए आता है, इसीलिए एक वचन सर्वनाम कौन से होते हैं, ही, शी और इट। और इसके साथ अगर कोई भी नेम, या नेम का मतलब होता है नाउन, सिंगुलर नंबर का हो, तो हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा वह पढ़ रहा है तो ही इज स्टडिंग, अगर मैंने कहा वह पढ़ रही है शी इज स्टडिंग, रवि पढ़ रहा है
तो रवि इज स्टडिंग, तो इसके अंदर अपन ने एक वचन के साथ लगाया क्योंकि रवि भी एक वचन जो है संज्ञा है। अब अपन देखते हैं आर, आर जो होता है वो बहुवचन के साथ आता है, जैसे वी यू दे, या अगर कोई भी नाउन आपका प्लूरल नंबर में हो या बहुवचन में हो। अब समझिए, मैंने कहा रवि और सुरेश, तो मैंने कहा रवि एंड सुरेश आर स्टडिंग। जब अकेला होता तो इस लगाते, इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग। अब आ जाता है जो प्रॉब्लम ज़्यादातर कई बार बच्चे करते हैं कि यू, अब यू जो होता है वो एकवचन भी होता है और यू जो होता है वो बहुवचन भी होता है, लेकिन हम यू को हमेशा और हमेशा बहुवचन ही मानकर चलते हैं। और यू चाहे आप एकवचन के लिए यूज़ कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, आप हमेशा और हमेशा आर का ही प्रयोग करेंगे। तो ये जो अपन ने देखा है ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है और यही इसका सूत्र है, और इसी तरीके से अपन इसके वाक्य को बना सकते हैं। चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य अपन बनाते हैं, इससे ना केवल अपना सूत्र क्लियर होगा लेकिन अपन को वाक्य जो है वो बनाने भी आएंगे। सबसे पहले आप जो है इस चित्र को देखें, राम घोड़े की सवारी कर रहा है। समझिए, अगर इस वाक्य को मेरे को बनाना है तो इसमें सब्जेक्ट तो क्या हुआ, राम, घोड़ा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सवारी जो है वो अपना हो गया क्रिया, और कर रहा है से पता चला है कि हमको बनाना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसका सबसे पहले अपन ने लिखा सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा राम। अब राम एक वचन था इसलिए मैंने लगाया इज, अगर समझो यहाँ दो होते राम एंड श्याम तो मैं लगाती आर, तो राम था तो इसलिए लगाया इज। सवारी करने के लिए क्रिया होती है राइड, तो मैंने राइड के पीछे क्या लगाया आई एन जी, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का है, और किस पे सवारी कर रहा है, घोड़े पे, तो अ हॉर्स। वापस ध्यान दीजिए कि जब भी हम हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में बनाते हैं तो हमेशा कर्ता और कर्म जो होते हैं वो अलग अलग दूर हो जाते हैं और उसके बीच में हम लोग क्रियाओं को लगाते हैं। यहाँ पर अपन ने दो क्रियाओं का इस्तेमाल किया, एक सहायक क्रिया जिसे मैंने इज कहा, और राइड यानी कि मुख्य क्रिया उसके पीछे मैंने आई एन जी लगाया। चलिए अब अपन नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसके अंदर है कि लड़का फुटबॉल खेल रहा है, फिर आ गया रहा है, देखिए देखिए लड़का जो है सब्जेक्ट है तो हम इसी से शुरू करेंगे, फुटबॉल हमारा कर्म है पीछे चला जाएगा, देखते कैसे बनेगा। अ बॉय फिर एक वचन है तो मैंने कहा इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फिर जो है अपने उसी तरीके से इस सेंटेंस को बनाया है। अब अपन आए, देखिए ये लोग डांस कर रहे हैं और ये एक नहीं है बहुवचन में है, तो हम लोग इसका हिंदी का वाक्य बना सकते हैं, वे नृत्य कर रहे हैं, तो वह को हम हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहेंगे दे, तो मैंने कहा दे बहुवचन हुआ इसलिए इसकी जगह मैंने लगाया आर, और डांस कर रहे हैं तो डांसिंग के पीछे मैंने आई एन जी लगा के इसको कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं लगा दिया। अब देखिए, अब ये लड़की है, ये लड़की बहुत तेज़ी से दौड़ रही है, तो लड़की तेज़ी से भाग रही है, इसका क्या होगा, द गर्ल एक वचन है इज रनिंग फास्ट, तो फास्ट का मतलब क्या होता है तेजी से दौड़ना, और रनिंग में मैंने रन का रन के पीछे फिर आई एन जी लगा दिया। अब ये लड़की जो है वो पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ने के लिए क्रिया क्या होती है आई एन जी, अब समझिए इसमें मैंने बनाया मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो अब आई आ गया, आई लगाते ही मैं आई के पीछे क्या लगाऊंगी एम, तो मैंने कहा आई एम रीड, रीड क्रिया ली पढ़ने के लिए, मैंने लगाई आई एन जी अ बुक, तो आई एम रीडिंग अ बुक। इसी तरीके से ये लड़का है, एक लड़का, और ये क्या बेच रहा है अखबार बेच रहा है, तो मैंने क्या लगा लड़का समाचार पत्र बेच रहा है, तो क्या बनेगा लड़के के लिए अ बॉय एक वचन है इसलिए आया इस, बेचने के लिए क्रिया होती है सेल उसके पीछे मैंने लगाया आई एन जी, और समाचार पत्र को मैंने पीछे लगा दिया न्यूज़पेपर। ऐसे ही आप वाक्यों को जो है बनाते रहें और आप क्रियाओं के पीछे आई एन जी लगाकर सेंटेंसेस को बनाते रहें। याद रखिए इज एम आर का इसमें प्रयोग करना है हमें,
और फर्स्ट फॉर्म की क्रिया के पीछे हमें आईएनजी लगाना है और आगे पीछे केवल कुछ नहीं करना, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लगाना है और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अब गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं। देखिए बच्ची पढ़ रही है, इसी तरीके से गृह कार्य जब तक आप नहीं करेंगे, होमवर्क आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, तो मैं बिल्कुल आपको सही बता रही हूँ, आप सेंटेंसेस बनाना नहीं सीख सकते। इसीलिए मैं कुछ वाक्य आपको दे रही हूँ, आप उन्हें भी बनाएं और आप खुद भी प्रयास करें, कुछ हिंदी में वाक्य लिखें और आप उनको बनाने का प्रयास करें। और अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, कोई क्रिया अगर आपको नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे को जो है फ़ोन कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको क्रिया भी बता दूंगी और वाक्य बनाना भी सिखा दूंगी, या नीचे आप कमेंट कर दें। चलिए आप वाक्य बनाना चालू करते हैं चित्रों से समझ के। पहला आप देख रहे हैं ये लोग तालियां बजा रहे हैं, तो वह रीटा के लिए ताली बजा रहे हैं। तो देखिए वह तो हो गया दे, और रीटा के लिए, रीटा पीछे चली जाएगी आपके ऑब्जेक्ट में, के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और ताली तो आपको पता ही है क्लैप होता है, तो क्लैपिंग आप इसको बनाइएगा वाक्य को। अब ये है मुख्य अतिथि भाषण दे रहे हैं, मुख्य अतिथि को हम क्या कहते हैं, चीफ गेस्ट, और भाषण को क्या कहते हैं, स्पीच। तो प्लीज़ आप इसको जो है करें, मैंने आपके लिए नीचे क्रियाएं और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में दे रखी है, इसका प्रयोग करके आप वाक्य को बनाइएगा। देखिए वह सीढ़ी पर चढ़ रहा है ना, तो सीढ़ी को अपन ने क्या कहा, लेडर, और चढ़ने को हम क्या कहते हैं, क्लाइम। इसी तरीके से ये है सुनील परीक्षा में नकल कर रहा है, नकल करने के लिए आपने देखा होगा मैम ज़्यादातर कहती चीटिंग मत करो, तो वो चीट ही है, चीटिंग का ही हम इसमें प्रयोग करते हैं। अब ये आदमी है वे घर की मरम्मत कर रहा है, तो आपको मरम्मत के लिए क्या होता है वर्ड, रिपेयर, उसी को अपन को रिपेयर को किस में करना है, रिपेयरिंग करना है ना। तो और वह यानी ही, तो आप वाक्य को बनाइए। अब ये देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, रवि खाना पका रहा है, तो पकाने की क्रिया क्या होती है, कुक, कुक के पीछे क्या लगा दोगे आप, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, कुकिंग, और आगे रवि लिख दीजिएगा, रवि इज कुकिंग फूड, यही तो बनेगा। अब आ जाएगा ये लड़का, देखिए ये लड़का जो है कमरे में पोछा लगा रहा है, पोछा लगाने को हम क्या कहते हैं, मॉपिंग, मॉपिंग का मतलब होता है, मॉप करने का मतलब होता है पोछा लगाना, और झाड़ू लगाते हैं तो उसके लिए स्वीप होता है, ठीक है। और अब ये है लड़का क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, तो संजय फोटो खींच रहा है, तो ये फोटो खींच रहा है, ये इनके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। Now a big thank you to everyone who has watched my video. अब मैं इसके बाद आपका लिए और भी videos tenses पर डालूँगी। Please like and subscribe my video. Once again a big thank you to everyone.